The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ के कुख्यात हिस्ट्री शीटर सुशील फौजी ने बुधवार को मेरठ में सरेंडर कर दिया। मेरठ पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। मेरठ में योगेश भदौड़ा और सुशील फौजी गैंग में काफी समय से गैंगवार चल रही है। योगेश भदौड़ा जेल में है जबकि सुशील फौजी फरार चल रहा था। अब उसने भी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। सुशील मेरठ के रोहटा थाने का हिस्ट्री शीटर भी रहा है। पूर्व में उसकी पोस्टिंग आर्मी के हेडक्वार्टर पुणे में भी रही है। इरफान ने सुशील फौजी पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया था। आज इस बारे में इरफान ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। क्या नाम है तुम्हारा? इरफान है सर। इरफान, सुशील फौजी को लेकर क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, आज जो ना सेंटर किया, क्या समझ रहे हो? सर, ये घटना जो उसने 24 नवंबर 2021 में की थी और तब से सुशील फौजी फरार चल रहा था और उसने बीच में एप्लीकेशन भी डाली थी, सिलेंडर एप्लीकेशन, वो खारिज कर दी थी जज साहब ने और उसमें आज की डेट दी थी जो 82 की कार्रवाई करने के लिए, मतलब 82 की कार्रवाई करने के लिए आज की डेट थी, तो उसमें आज सुशील फौजी सिलेंडर हो चुका है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। सुशील फौजी ने जो मेरे पहले जो घटना करी थी 24 नवंबर 2021 में करी थी और फिर दोबारा घटना करी है उसने 27 नवंबर की रात को 10:25 पे उसने मेरे मेन गेट तोड़ के सबके साथ मार पिटाई करी, जो औरतें थी उनके साथ भी मार पिटाई करी और मुझे भी धमकी दी है कि अगर तूने अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं ली तो तुझे और तेरे परिवार को गांव में, तो गांव में आसपास के एरिया में भी नहीं रहने दूंगा। पहली घटना ये थी सर, उसने एक मंदिर की जगह थी उसमें स्टेडियम बना रहा था, वो उसके पास में मेरा पट्टा था तो उसने उस पर भी कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा था वो, तो इसी बारे में मैंने लेखपाल से बातचीत करी तो लेखपाल ने मेरा नंबर और मेरा नाम उसको बता दिया सुशील फौजी को कि भाई फला नाम का ये आदमी ये इंक्वायरी कर रहा है। तो सुशील फौजी 24 नवंबर को मेरे घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद में उसने जो भी घर पे मिला सबके साथ मार पिटाई करी, सबके पिस्टल लड़ा दिए और यहाँ वहाँ से ही मेरे पास फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे धमकी दी कि आजा तू गाँव में बैठे हैं तेरे फूफा तुझे यहाँ से ही उठाएंगे और तू फ़ोन कर रहा है पटवारी के पास में, तो उसने मुझे धमकी दी कि आज ही तू अपने परिवार को सबको गांव छोड़ के लेके जाएगा, मेरे पास में उसकी ऑडियो भी है और तभी से ही सुशील फौजी फरार चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था और इसको पुलिस लगातार ले लद्दाख और महाराष्ट्र में भी, चंडीगढ़ में भी इसके लिए यहाँ लेने के लिए गई थी टीम पर, लेकिन ये ड्यूटी पे था ही नहीं, ड्यूटी की आड़ में पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहा था। आज ये सिलेंडर हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। इसके मेरे मुकदमे 3 में ये जेल गया है सुशील फौजी, मेरे मुकदमे 3 हैं, बीच में भी धमकी दी थी और 2 मेरे पहले हैं, 167 और 168 और 1 और है उसका मेरा क्राइम नंबर याद नहीं है, 3 मेरे थे। ये कोर्ट से सरेंडर हुआ है, आज कोर्ट में से सरेंडर हुआ है, अभी जेल भेज दिया गया है। सुशील फौजी के ऊपर तो काफ़ी मुकदमे हैं, पंजाब में उसने 1 की डिमांड करी थी और जो डिमांड करी थी वो लड़का जो अपहरण करा था उसको भी मार दिया था और 90 रुपए उसको मिल भी गए थे, उसमें 6 पहले ये बरी हुआ था अभी। और हमारे गांव के 3 भी इसने किए थे, एक योगेश भदौड़ा का भतीजा अजय उसका भी मर्डर इसी ने किया था, सुभाष मलिक एक उसका भी मर्डर इसी ने किया था, काफ़ी दमक आदमी है और गांव में इसने पूरी आतंक मच। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।